नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार सिंह आपका अपना प्यारा चैनल नॉलेज जशन मस्ती में हृदय से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में बताएंगे टोक्यो ओलंपिक 2020-21 यानी टोक्यो महाकुंभ जो 8 अगस्त 2021 को समाप्त हो गया, तो इन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2 मार्क्स इनसे ज़रूर रहेगा, तो 2 मार्क्स पक्का करने के लिए यह वीडियो ज़रूर देखें। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया है, यानी टोक्यो ओलंपिक जो 8 अगस्त को जो समाप्त हुआ है उसमें भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो ये दोस्तों आपका है बजरंग पुनिया, ये कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया, जिन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत की गौरव बढ़ाए। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, यानी सबसे ऊपर कौन सा देश रहा? तो आपका अमेरिका है, जिन्होंने 39 गोल्ड जीता और 41 जो है रजत और 33 कांस्य पदक के साथ ये अमेरिका ने 113 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और दूसरे स्थान पे आता है आपका चीन, जिन्होंने आपका 88 टोटल पदक जीता, जिसमें 38 जो है इसका स्वर्ण पदक है। और तीसरा स्थान आता है आपका जापान, जिन्होंने आपका 58 जो है पदक जीता है जापान। और चौथे स्थान पे आपका आता है ग्रेट ब्रिटेन, ये है आपका चौथे नंबर पे, ग्रेट ब्रिटेन जो है आपका दोस्तों चौथे नंबर पे है ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, जिन्होंने 65 पदक के साथ चौथे नंबर पे रहा। अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया अब तक के इतिहास में 121 साल के इतिहास में इंडिया ने 7 पदक, यानी भारत जो है दोस्तों, भारत 7 पदक के साथ 48वें स्थान पे रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत किस पोजीशन पे रहा? जैसा कि पहले बता दिए दोस्तों, 48वें स्थान पे रहा, यानी 1 गोल्ड मेडल और 2 रजत 4 कांस्य के साथ भारत ने 7 पदक जीता और 48वें स्थान पर रहा 7 पदक के साथ। फर्स्ट स्थान पर जैसा कि बता दिया आपको यूएस है यानी अमेरिका है, जिन्होंने 113 पदक जीते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021 में ओलंपिक 2020 खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये है दोस्तों आपका टोक्यो यानी जापान के शहर टोक्यो में जो है, यानी 2020 का ओलंपिक जो है कोरोना के कारण यहाँ यानी जुलाई में स्टार्ट किया गया था 2020 में। तो दोस्तों ये जो है आपका इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा दोस्तों जेवलिन थ्रो यानी क्या होगा भाला फेंक जो है प्रतियोगिता में इसने गोल्ड मेडल जीता है। अब तक के इतिहास में भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीता, यानी इससे पहले जो है अभिनव बिंद्रा 2008 में जो है आपका 10 मीटर एयर राइफल में जो है शूटिंग में उन्होंने गोल्ड जीता था। उसके बाद 2021 में आज दूसरे गोल्ड मेडल विजेता बना है नीरज चोपड़ा हरियाणा के। तो इन्होंने है दोस्तों 87.5
8 मीटर की थ्रो किया और पहले स्थान पे इन्होंने रहे और इसे गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में किस टीम को हराकर ब्रॉन्ज पदक जीता है? तो भारत जो है पुरुष हॉकी टीम जो है इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम को हराया था? तो वो था दोस्तों आपका जर्मनी, यानी जर्मनी को ही हराकर भारत ने ये अपना ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। और इसमें जो था ये पुरुष हॉकी टीम के पुरुष हॉकी में टोक्यो ओलंपिक में जो है गोल्ड जीता था वो कौन था? यानी गोल्ड जीता था आपका बेल्जियम, गोल्ड जीता था बेल्जियम और सिल्वर जीता था ऑस्ट्रेलिया, सिल्वर जीता था ऑस्ट्रेलिया और भारत तीसरे स्थान पर रहे। जो भारत को मिला है ये जर्मनी को हराया था और भारत को मिला है कांस्य पदक, भारत जो है कांस्य पदक मिला और जर्मनी को हराया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? तो महिला हॉकी टीम जो है ये आपका दोस्तों नीदरलैंड की है, नीदरलैंड की महिला ने गोल्ड मेडल जीती है और इसमें सिल्वर जीती है, सिल्वर जीतने वाली टीम थी आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना सिल्वर जीता है और आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है यानी कांस्य पदक जो है जीता था ये ब्रिटेन, कांस्य पदक जो है ब्रिटेन जीता था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने किस खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो पीवी सिंधु जो है आपका हिगबिंजियो को हराकर जो है इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, पीवी सिंधु यानी कांस्य पदक जीता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने कुश्ती की किस कैटेगरी में सिल्वर पदक जीता है? तो ये था दोस्तों 57 kg का फ्री स्टाइल वेरेस्टलिंग यानी 57 kg का भार वर्ग में जो है कुश्ती में जो है रवि कुमार दहिया ने भारत के लिए सिल्वर यानी रजत पदक जीते। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कुश्ती की किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है? तो बजरंग पुनिया जो था दोस्तों 65 kg का फ्री स्टाइल वेरेस्टलिंग यानी 65 kg भार वर्ग में जो है ये बजरंग पुनिया कुश्ती में जो है आपका कांस्य पदक जीता भारत के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? ये लवलीना जो है दोस्तों आपका बॉक्सिंग में था, किस में था? बॉक्सिंग में जीता है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक महिला व्यक्तिगत पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है? यह है आपका एमा मेकोन, कौन है? एमा मेकोन जो है दोस्तों आपका ये स्विमिंग में यानी तैराकी में जो है इसने आपका 4 जो है गोल्ड जीता है यानी 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज जीता, 3 ब्रॉन्ज जीता। तो ये जो था दोस्तों एमा मेकोन जो है आपका ये कहाँ का थी? ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की है एमा मेकोन, जिसने 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज के साथ यानी 7 पदक जीतने वाला सबसे ये हाईएस्ट ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाले व्यक्तिगत ये महिला थी एमा मेकोन ऑस्ट्रेलियन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे पहला पदक जीता है?
ये है दोस्तों आपका मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने भारत के लिए ये टोक्यो ओलंपिक जैसे ही शुरू हुआ ये अपना पदक जो है रजत पदक ही अपना नाम कर ली है। यानी ये 39 किलो के भार वर्ग में जो है इसने अपना वेट लिफ्टिंग में ये पदक जीती है, रजत पदक मीराबाई चानू। और इसमें जो था गोल्ड जीतने वाला चीन की थी हाओ जीयू। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ये था दोस्तों आपका यांग कियांग। ये है यांग कियांग, यानी टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक इसी को मिला था। ये जो है तो दोस्तों आपका 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इसने पहला गोल्ड मेडल जीती थी चाइना की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक खेल की जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ये है दोस्तों दीपक कावड़ा। कौन है? दीपक कावड़ा जो है इसको जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुना गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वज वाहक नामित किया गया है। यानी टोक्यो ओलंपिक में जो है उद्घाटन समारोह में भारत का जो है ध्वजवाहक किसे नामित किया गया। तो ये था दोस्तों एमसी मेरी कॉम, जो मणिपुर की बॉक्सर है। इसके साथ हॉकी टीम का जो है ये मनप्रीत सिंह को भी नामित किया गया है। यानी दोनों इसका आंसर सही होगा, यानी मेरी कॉम और मनप्रीत, ये दोनों को जो है भारतीय दल का ध्वजवाहक ये टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में नामित किया था और समापन में जो था बजरंग पुनिया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक टीम के थीम सॉन्ग गाने को किस गायक ने संगीतबद्ध किया। तो ये था आपका दोस्तों मोहित चौहान। यानी मोहित चौहान जो था भारतीय टीम के थीम सॉन्ग गाने को संगीतबद्ध किया। और वो थीम सॉन्ग क्या था? तो वो था दोस्तों तू ठान ले। और इस गीत को मोहित चौहान की पत्नी प्रार्थना गही लोटे ने लिखा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाई टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है। यानी वो कौन है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले तलवारबाज बनने वाले? तो ये है दोस्तों आपका भावनी, यानी सी ए भवानी देवी। ये देख लीजिए दोस्तों तलवारबाजी भवानी देवी जो है पहली महिला है जिसने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है तलवारबाजी में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है यानी आईओसी का पुनः अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये है दोस्तों आपका थॉमस बॉक। थॉमस बॉक को जो है आईओसी का अध्यक्ष पुनः चुना गया, यानी दोबारा चुना गया है। जबकि आईओसी का जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है ये हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय लुसाने है। लुसाने जो स्विट्जरलैंड में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये है दोस्तों सीको हाशिमोतो। ये है दोस्तों सीको हाशिमोतो जिसे टोक्यो ओलंपिक का आयोजन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्न में से किस खेल प्रतिस्पर्धाओं को पहली बार शामिल किया गया है। तो इसमें है दोस्तों आपका ये टेबल टेनिस को जो है शामिल किया गया है। टेबल टेनिस को इस बार ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है।
और गोल्ड जीतने वाली ये दोनों कौन है? जापान की एक है जोन मिटितानु और एक है मीमा इटो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में किस खिलाड़ी ने ओलंपिक कराही जलाई? तो ये है दोस्तों ओलंपिक का कराही जलाने वाले आपका नाओमी ओसाका। ये जापान की खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, जिसने ये आपका उद्घाटन समारोह में जो है कराही को जलाया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2020 टोक्यो ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेलों के शुभंकर लॉन्च किए गए हुए हैं, यानी ये जो है दोस्तों आपका ये टोक्यो ओलंपिक के लिए मीरा तोई और सोमाइटी जो है पैरा ओलंपिक के लिए बनाया गया मस्कट यानी शुभंकर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पुरुष व्यक्तिगत पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है? यानी सबसे ज़्यादा जो है टोक्यो ओलंपिक में पुरुष में व्यक्तिगत पदक कौन खिलाड़ी जीता है? तो ये है दोस्तों अमेरिकन स्विमर है स्लेव ड्रेसर। यानी महिला में भी अगर व्यक्तिगत जो है पदक सर्वाधिक की बात किया जाए तो ये स्विमिंग में ही यानी तैराकी में ही जीता था ऑस्ट्रेलिया का, और ये पुरुष में जो है व्यक्तिगत में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला है स्लेव ड्रेसल, जो ये अमेरिका का है। इसने जो है 5 गोल्ड जीता है और सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए टोक्यो ओलंपिक में। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना? तो ये है दोस्तों आपका अडानी समूह को जो है इस बार टोक्यो ओलंपिक में प्रायोजक आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है, और अडानी समूह का जो है अभी चेयरमैन कौन है? तो ये है गौतम अडानी। कौन है? गौतम अडानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन का नाम क्या है? यानी पहला ट्रांसजेंडर जो था कौन बना था इस ओलंपिक में क्वालिफाई के लिए? तो ये था दोस्तों आपका न्यूजीलैंड के लॉरेल हर्बर्ड। कहाँ का था? न्यूजीलैंड का जो था लॉरेल हर्बर्ड था, जिसने पहली ट्रांसजेंडर के रूप में ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई हुआ था। तो ये दोस्तों भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक तो समाप्त हो गया, अब जो है ओलंपिक के ऐतिहासिक संबंधित प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पता है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक तो खत्म हुआ, तो ओलंपिक खेल का जो है आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ये दोस्तों 4 साल के बाद होता है, हर एक 4 साल के अंतराल में। तो ये दोस्तों पहली बार किस ओलंपिक में जो है शुभंकर यानी मस्कट शामिल किया गया है? तो वो था दोस्तों पहली बार आपका 1968 के जो है फ्रांस के ओलंपिक में जो है आपका ये शुभंकर से शुरुआत हुआ था, और 1972 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक म्यूनिक यानी जर्मनी का शुभंकर वाल्डी था। 1968 वाला जो था शुभंकर का नाम क्या था दोस्तों? सूस था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? यानी भारत जो है अपना पहला बार ओलंपिक में टीम कब भेजा था खिलाड़ी को खेलने के लिए? तो 1920 का बेल्जियम ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक
जो है लोगों में कितने छल्ले होते हैं, ये दोस्तों 5 छल्ला होता है और 5 महादेश के लिए ये छल्ला होता है, जिसमें आपका नीला है, काला है, लाल है, पीला है और हरा है। तो बता देते हैं कौन कलर किस महादेश के लिए है। नीला है आपका दोस्तों यूरोप के लिए, नीला यूरोप के लिए, काला अफ्रीका के लिए, लाल अमेरिका के लिए और पीला एशिया के लिए, और हरा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये ओलंपिक को कौन सी संस्था जो है रेगुलेट करती है। तो ये जो दोस्तों IOC करती है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का मुख्यालय कहाँ है। जैसा कि बता दिए थे लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का जो है अध्यक्ष भी दोस्तों बता दिए थे आपको, थॉमस बक है अभी वर्तमान में, जो दोबारा इसको जो है फिर से बनाया गया है। और जबकि IOC का जो है पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो डिमिस्टर विकेलस थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो फ्रेंच है, अंग्रेजी और फ्रेंच दो भाषा को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं, 105 है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का शुभंकर कब और किस देश में हुआ था। यह है सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक जो है कि शुरुआत 1896 ग्रीस यूनान से शुरू हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाते हैं। ओलंपिक के 5 रिंग 5 खेल की सार्वभौमिकता को दर्शाती है। ये है अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शब्द का क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है दोस्तों यूनान के एक पर्वत का नाम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पूरी तरह से सोने से बना था। तो ये था दोस्तों आपका 1912 के ओलंपिक। तो ओलंपिक, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का स्वर्ण पदक किस धातु से बना होता है। तो अभी जो भी ओलंपिक में पदक जाया जाता है स्वर्ण पदक, उसमें 92.5% चांदी होता है और 6 ग्राम सोने से मिलकर बना होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत द्वारा अब तक ओलंपिक में हॉकी खेल के खेल में कितने स्वर्ण पदक जीता गया है। तो भारत के तरफ से ओलंपिक खेल में जो है हॉकी में अब तक 8 स्वर्ण पदक जीता जा चुका है। भारत ने पहला गोल्ड मेडल 1928 के ओलंपिक में जीता था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार ओलंपिक ध्वज किस वर्ष और कौन से ओलंपिक में फहराया गया। तो ये 1920 के एंटवर्ग ओलंपिक में, यानी ध्वज की शुरुआत हुआ था आपका 1920 के एंटवर्ग से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता यानी ओलंपिक में पहला पदक विजेता भारतीय महिला कौन है। तो ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, कर्णम मलेश्वरी, जो सिडनी ओलंपिक 2000 में ये पहली बार जो है ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली महिला बनी थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक में किस खेल में जीते हैं। तो ये भारत की ओर से ओलंपिक में सबसे ज़्यादा खेल मेडल जो है आपका हॉकी में जीता है, और ये 2021 में भी कांस्य पदक जीता है पुरुष हॉकी टीम। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग कब लिया था। तो ये दोस्तों 1900 में भारत ने पहली बार भाग लिया था, जिसमें ये नॉर्मन पिरचार्ड ने 2 सिल्वर जीता था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से कौन कौन से ईस्वी में जो है ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ। तो वो 3 है दोस्तों, 1916 का, 1940 और 1944 का जो है विश्व युद्ध के कारण जो है ओलंपिक को बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार ओलंपिक शपथ कहाँ और कब लिया गया था। यानी ओलंपिक में जो है खिलाड़ियों को शपथ दिलाने की शुरुआत
आपका 1920 के एंटवर्म ओलंपिक बेल्जियम से शुरू हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल ओलंपिक में जो है मशाल जलाने की प्रथा कहाँ से और कब शुरुआत हुई थी? 1928 के एमस्टर्डम जो है ओलंपिक से जो है मशाल जलाने की प्रथा शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से जलाई जाती है? तो ये दोस्तों आपका सूर्य के किरण से ही ओलंपिक का जो है मशाल को जलाया जाता है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं? तो अभी तक में जो है ये यूएसए है, जिसमें 2021 के भी ओलंपिक यानी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी जो है पहले स्थान पर रहा और 113 पदक जीते हैं। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों 1896 में हुआ था यूनान से। तो अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में पहली बार महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में भाग लिया था? वो था दोस्तों 1900 के पेरिस ओलंपिक में महिला को एंट्री देने की शुरुआत हुआ था ओलंपिक में। उससे पहले महिला की भागीदारी नहीं होता था, सिर्फ पुरुष खेलते थे। और सबसे अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस देश की महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था? तो दोस्तों फ्रांस के पेरिस के जो है महिला ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों पियरे डी कुबर्टिन है, जिसे आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? तो वो दोस्तों आपका है अफ्रीका। इसका जो है कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था यहाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस के लोग ओलंपिक को किससे समर्पित करते हैं? ये दोस्तों अपने देवता जीउस को जो है समर्पित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक खेल सबसे ज़्यादा बार किस देश में आयोजित हुआ? तो ये है दोस्तों लंदन, जहां 3 बार जो है हो चुका है आयोजन, जैसे 1908 में हुआ था, 1948 और 2012 में, जिसमें 2012 में भारत जो है 6 पदक जीता था और ये 2021 में ये टोक्यो में 7 पदक जीतकर अब तक के इतिहास को बदल दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है? तो ये दोस्तों आपका अब तक इतिहास में माइकल फेल्प्स यानी तैराकी है अमेरिका के, जिसने कुल 22 पदक जीते हैं, जिसमें 18 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य भी शामिल है। और 2012 के लंदन ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 4 स्वर्ण 2 रजत और सहित जो है कुल 6 पदक जीते, जिसमें पदक जीतने का ये रिकॉर्ड इनके नाम हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, 2012 के ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे? तो लंदन में हुए थे। और 2016 का पूछा जाए तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और 2020 का ये कहाँ हुआ है दोस्तों? ये टोक्यो में होने वाला, 2020 में ही होने वाला था टोक्यो में, लेकिन इसको 2021 में कराया गया कोरोना की वजह से। और अगर 2024 यानी आगामी जो है 2024 का है, 2024 का ये ओलंपिक कहाँ होगा? तो वो दोस्तों फ्रांस के पेरिस में होगा। और 2028 के ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ये लॉस एंजिल्स जो है अमेरिका में होगा। तो ये था दोस्तों आज का ओलंपिक के करेंट अफेयर और ओलंपिक के ऐतिहासिक क्वेश्चन से संबंधित। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।